कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ को बार बार दोहराकर उसे हमें सच मनवा लेते हैं और हमें उनके ऊपर भरोसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारी आंखों के सामने एक झूठ का पर्दा डालने में उन्हें समय नहीं लगता। तभी हमारी आंखें, हमारा कान कुछ काम नहीं करता। वो इतनी बार हमें दोहराते हैं, हमें उसी पर ही यकीन आ जाता है। तो आज इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। हाय, मैं सुभाश्री, आप सुन रहे हैं 15th एपिसोड ऑफ वेंसडे स्टोरीज विद सुभाश्री। एक गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत ही शांत और साधारण सा था। लोगों के घर में जब भी कुछ ब्राह्मण को दान करना होता था, उससे ही बुलाते थे। उसको अच्छे से खाना खिलाते और जो भी खुशी से दान करते थे वो ग्रहण करता था। एक दिन एक व्यापारी के घर में पूजा थी, तो उसके बाद ब्राह्मण को कुछ दान करना था, तो इसीलिए उसी ब्राह्मण को बुलाया, अच्छे से खाना खिलाया, उसके बाद दान में एक बकरी दी और उनको बोले कि आप एक काम कीजिएगा, इसको बाजार में बेच देना या आपके घर पे लेकर इसका दूध भी पी सकते हैं। ब्राह्मण इतने अच्छे बकरी को देखकर अपने कंधे पर उठाया और अपने घर की तरफ चला। इतनी अच्छी बकरी को उसे ले जाते हुए 3 चोर देखे और उनको लगा कि अगर ये बकरी मिल जाए तो बाजार में इसका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। तभी तीनों ने मिलकर एक तरकीब सोची कि उससे बकरी कैसे ली जाए। ब्राह्मण को घर पहुंचने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता है। ये तीनों चोर मिलकर जंगल में उसी रास्ते में अलग अलग जगह पर छिप गए। ब्राह्मण तो अपने कंधे पर अपनी बकरी को उठाकर उसी जंगल के रास्ते चलना शुरू किया। तभी पहला चोर उनके आगे आकर जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ये देखकर उसे पूछा, क्या हुआ, इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? तभी वो चोर बोला, माफ कीजिएगा, मैंने आज तक किसी ब्राह्मण को ऐसे गधे को उठाते हुए नहीं देखा, बड़ा अनोखा दृश्य है ये। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। ये सुनकर ब्राह्मण को अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया। फिर सोचा, चलो छोड़ो, कोई पागल ही होगा बकरी को जो गधा बोल रहा है। इसके बाद वो फिर से आगे चलने लगा। कुछ देर जाने के बाद दूसरा चोर आगे आया और बोला, ब्राह्मण जी, इस गधे को कहीं चोट लगी है क्या या कुछ हुआ है? आप इसे उठा के क्यों लेके जा रहे हो? ये सुनने के बाद उसको जोर से गुस्सा आया और बोला, तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, या तुम भी पागल हो? ये गधा नहीं, बकरी है, अच्छे से देखो, अभी अभी मुझे दान में मिला है ये। फिर चोर ये सुनकर बोला, माफ कीजिए, पर आपको किसी ने ना छल किया है। ये सुनकर वो और गुस्से में अपने घर की तरफ चलने लगा। तभी कुछ देर जाने के बाद तीसरा चोर आगे आया और बोला, लाइए महाराज, इसको मुझे दे दीजिए, आपके लिए मैं उठा दूंगा, लगता है आप थक गए होंगे और वैसे भी ब्राह्मण को मदद करने से पुण्य मिलता है, आपको जहां भी जाना है वहां आपको छोड़ के आऊंगा। बकरी को उठाते उठाते ब्राह्मण भी थक गया था। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो अच्छा मिला। उसके बाद अपने कंधे से उस चोर के कंधे पर दे दिया। कुछ देर चलने के बाद चोर अपने शातिर तरीके से पूछा, आपको एक बात पूछूं महाराज, बुरा तो नहीं मानेंगे? ब्राह्मण बोला, हाँ पूछो, बुरा क्यों मानूंगा? फिर चोर ने पूछा, वैसे आप इस गधे को उठा के लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर ब्राह्मण बोले, अरे बेटा, ये कोई गधा नहीं, बकरी है। तभी चोर फिर से बोला, ये कोई बकरी नहीं, गधा है, मुझे लगता है कि किसी ने आपको ठग लिया है। अपनी बकरी को गधा बार बार सुनकर ब्राह्मण बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसके बाद उसको बोला, बेटा एक काम करो, इसे तुम ही रख लो, मुझे अब नहीं चाहिए, समझ लो मेरे तरफ से ये दान है। ये बोलने के बाद ब्राह्मण अपने घर की तरफ अकेले ही चला गया। इसके बाद वो 3 चोर बाजार जाकर इस बकरी को अच्छे दाम में बेच दिया। उनकी तरकीब ये थी कि अपनी झूठी बात को बार बार बोलकर उस ब्राह्मण को यकीन दिलाना, और उसमें वो सफल भी हुए। तो ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि आज के बाद कोई कुछ भी बोले, हमको उसे बिना परखे कभी यकीन नहीं करना चाहिए।
आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिली। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।